बहुत सी महिलाएं जो एक स्तर पर जीती हैं, किसी भी एक उच्च स्तर महिला की तरह, और जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो स्वाभाविक तरह से हम सोचते हैं कि वो कोई टीचर होंगी या कोई नन। लेकिन ये फिल्म इन तीनों के बारे में है। कुंग फू की लड़ाई बल, प्रभाव और शक्ति केंद्रित होती है। मार्शल आर्ट धार्मिक विश्वास के अत्यंत करीब है। फिल्मों से प्रभावित और दुनिया भर में युवाओं की चाहत, यहाँ लद्दाख, गर्शा और किन्नौर में कुंग फू बहुत दुर्लभ है। पर भारतीय हिमालय की चोटी पर कुंग फू के योद्धा बहुत ही असामान्य है, क्योंकि ये मंक्स नहीं, ये हैं नंस। कुंफू हमें योग करते समय ध्यान केंद्रित रखने में सहायता करता है, इसलिए हमें ये बहुत पसंद है। दूसरी बात ये है कि ये हमें ताकतवर और स्वस्थ रखता है। कुंजांग और उसके दोस्त ड्रुकपा बुद्धिज्म से संबंध रखते हैं। ड्रुकपा या कहें ड्रैगन, नंस को सदियों से कुंगफू की कला से वंचित रखा गया। लेकिन 2 वर्ष पहले ड्रुकपा के गुरु परम पावन ग्यालवांग ड्रुकपा ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। 2 कारण हैं जिनकी वजह से मैंने कुंगफू शुरू किया, जिनमें से पहली बात है कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और दूसरी चीज है जिसने मुझे उकसाया वो ये है कि नंस को कुंगफू से रूबरू कराऊं। नंस जिनको थोड़ा सा होना चाहिए, कैसे कहते हैं, रक्षा, अपने आप की रक्षा दुनिया की वार से स्वयं करने के लिए। अब नंस के पास एक नई उपलब्धि हासिल करने का मौका है। इस वर्ष एनुअल ड्रुकपा काउंसिल के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। द कैच, उनके पास अपने आप को साबित करने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। आने वाले एनुअल ड्रुकपा काउंसिल में नंस के द्वारा पेश की जाने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ड्रैगन डांस। ड्रैगन डांस यहाँ आम जनता ने कभी नहीं देखा। ये दुनिया का सबसे पहला ड्रैगन डांस होगा जो नंस द्वारा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में हिमालयी पहाड़ों के बीच शे नारो फोटांग ननरी जितनी आधुनिक है उतनी दूर भी है। इस ननरी की शुरुआत 2004 में हुई, लेकिन कुंजांग और उसके सहयोगियों के लिए यह परंपरा का स्थान है। भोर में वे सुबह 3 बजे से पहले ही पूजा और प्रार्थना कर चुके होते हैं। जब मैं छोटी बच्ची ही थी तभी से मैं पवित्रता की ओर आकर्षित थी। मैंने अपने आसपास बहुत नंस को नहीं देखा, लेकिन मेरी इच्छा नन बनने की थी और मैं एक धार्मिक जीवन जीना चाहती थी। एक नन के लिए धार्मिक होना एक कठोर अनुशासन की नायिका के प्रतीक माना जाता है। इनकी प्रार्थनाओं का फल ताउम्र मिलता है। उनका व्यक्तिगत लक्ष्य पवित्र वचनों द्वारा अपने जीवन काल में आत्मज्ञान प्राप्त करना है। बुद्धिज्म एक धर्म और जीवन की राह है। कुंजांग एक महीने में 1,10,000 से भी अधिक छक या फिर कहें प्रोस्टेशन और या फिर दंडवत प्रार्थना करती हैं, और वो ये भी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी नंस अपने दायित्वों को पूरा करें।
जब मैं नेपाल में थी तब मेरी जिम्मेदारी गयोक एक डेप्यूटी डिसिप्लिन मास्टर की थी, और लद्दाख में भी मेरी जिम्मेदारी वही है, और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ ये देखने के लिए कि नंस यहाँ अपने कार्य को करने के लिए वक्त पर आती है या नहीं। प्रार्थना और ध्यान 8 घंटे हर दिन, सांग पूजा विश्व शांति और सारे जगत के कल्याण के लिए की जाती है। नंस वक्त के साथ दौड़ रही हैं, मॉनेस्ट्री को पेंट कर रही हैं और काउंसिल के लिए तैयार हो रही हैं। उनको धुनना जरूरी है गद्दे और तकियों के लिए। कपड़े को बैनर और पर्दों में ढाला जाता है। काम को खत्म करने की तारीख नजदीक है, इसलिए कुंजाम को सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये काम 15 जुलाई से पहले करना है, हालांकि काउंसिल असेंबली भी 22 अगस्त से पहले नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है ड्रैगन डांस का अभ्यास करना। इसके लिए भी कुंफू की तरह कपड़े, सभी चीजें और योग्यताएं चाहिए। कुंजांग बागडोर संभाल रही है और नंस को जल्दी करने के लिए कह रही है। दोस्तों जल्दी आओ, कुंफू मास्टर आ चुके हैं। जल्दी आओ, जल्दी, मास्टर जी इंतजार कर रहे हैं। ड्रैगन डांस रुकपा वंश की बहुत मूल उद्गम स्थल है। 800 साल पहले परम पावन ग्यालवांग रुकपा के प्रथम अवतार ने 9 ड्रैगन्स को नीले आकाश में उड़ते देखा। तभी से बौद्ध धर्म में रुकपा वंश को माना जाता है, और यह विश्वास किया जाता है कि ड्रैगन सौभाग्य लाता है यदि सम्मान किया जाए। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, पूरी तरह से नहीं, सब ठीक है, साथ साथ चलो। वो सचमुच कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे धीरे, एक एक करके। लेकिन ड्रैगन जमीन के काफी करीब है। आप सबने बहुत अच्छा किया, जो हमने अभी किया वो अच्छा था, लेकिन हमें और अभ्यास करना है और बेहतर करना है। ड्रैगन 50 चांस करने वाला बन सकता है, चाहे उसमें 10 सदस्य ही क्यों ना हो। सबसे कठिन स्टेप है ड्रैगन के साथ साथ दौड़ना, क्योंकि 10 लोग चाहिए ड्रैगन को हिलाने के लिए। इसलिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 10 लोगों को एक साथ एक ही समय पर चलना पड़ता है। बहुत मुश्किल है सांप को शरीर की तरह चलाना, लेकिन नृत्य को ढोल की ताल से मिलना भी चाहिए, ताकि सर हिल सके और धुन के साथ मिल सके। लद्दाख में यह माना गया कि नंस ये मुश्किल चीजें नहीं कर सकते। तो बदलाव क्या है? सदियों पुराने ड्रुकपा वंश ने 2 साल पहले ही वार्षिक परिषद का गठन शुरू किया है। विश्व भर के 16 देशों के अनुयायी अपने गुरु परम पावन ग्यालवांग ड्रुकपा के प्रार्थना और प्रवचन को सुनने के लिए यहां आते हैं। बुद्धिज्म की अपनी एक पवित्र तस्वीर है, और हिज होलीनेस ड्रुकपास को एक नई दिशा में ले गए हैं। उनके मार्गदर्शन में यह विश्वास लाया गया कि महिलाओं को भी दुनिया के साथ चलना चाहिए और उनको भी बराबरी के मौके देने चाहिए। ये मेरा कर्म है कि मुझे नंस और महिलाओं की देखभाल करनी चाहिए, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि उनको अंदर आने दें और हमसे जुड़कर अभ्यास करने दें। पुराने समय में महिलाओं को इतनी इज्जत नहीं मिलती थी। इस तरह की संस्कृति है कि दूसरे स्थान पे महिला और मर्द हमेशा से ही पहले स्थान पर, और शायद यही सबसे कमज़ोर हिस्सा है मैं कहूँगा। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी कर लें, वो हमेशा से ही दूसरे स्थान पर हैं। अब तक, आज तक हम इससे संघर्ष कर रहे हैं, और मैं भी इससे संघर्ष कर रहा हूँ।
बुद्धिज्म की शिक्षा के हिसाब से यह बिल्कुल ठीक है कि पुरुष और महिलाओं को एक समान रखा जाए। लेकिन यह एक चीज है जिस पर कुंजांग नियंत्रण नहीं कर सकती, बल्कि पेंट भी अब सूखता जा रहा है। बहुत बारिश हो रही है। पिछली रात भी बहुत बारिश हुई थी। हो सकता है ये बारिश बिल्डिंग की दीवारों से पेंट को धो डाले, इसलिए हम काम करना बंद करेंगे तब तक जब तक बारिश ना थम जाए। हम काम करना बंद नहीं कर सकते क्योंकि अभी बहुत सारा काम है जो करना है। देखो बहुत करने के लिए है, बहुत सारा पेंटिंग, सफाई। अभी तक हम बारिश से परेशान नहीं हुए। लेकिन बारिश नहीं रुकी तो हमको रुकना पड़ेगा। क्या तुम खिड़की को भी पेंट करोगी? हाँ, हमको हॉल के अंदर की खिड़कियाँ भी पेंट करनी है और बरामदा भी। क्या तुमने ये वाला हिस्सा पेंट कर लिया? नहीं, हमने सिर्फ 2 दिन पहले ही लाल पेंटिंग शुरू की है और अभी बहुत सारा काम करने के लिए बाकी है। बारिश और तूफानी मौसम की वजह से हम बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। मैंने अपने दोस्त जिग्मे रिग्ज़िन से भी पूछा कि इस तरह के मौसम में हम काम कैसे पूरा करेंगे। यह वक्त है कैफे में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने का। नंस बहुत चिंतित हैं। मैं ड्रैगन डांस और पेंटिंग करने वालों से मिला पर कुंफू को नहीं भूला। कुंफू मास्टर रुक्पानंस के लिए एक अध्याय के साथ। कुंफू का अभ्यास करने में अक्सर मर्द काफी अच्छा करते हैं क्योंकि मर्द शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं। अभ्यास और दृढ़ निश्चय ही चाहिए। मर्दों के मुकाबले औरतें शारीरिक तौर पर इतनी मजबूत नहीं होती, पर यदि वो बहुत सारा अभ्यास करें और मेहनत करें तो मर्दों और औरतों में कोई फर्क नहीं रहेगा। मास्टर का दूसरा अध्याय कुंफू और ड्रैगन डांस के अनुशासन और योग्यता। उन्होंने कुछ शुरुआती चीजें बताई। जब आप ड्रैगन को दाएं बाएं घुमाते हो तो किस तरफ आप पहले घुमाते हो? तुमको बाईं तरफ घूमना चाहिए और बाएं पैर के साथ। जब हम ड्रैगन के साथ साथ घूमते हैं तब हमें एक दूसरे के करीब रहना चाहिए या दूरी रखनी चाहिए? आपको करीब होना चाहिए, पर जब तुमको ड्रैगन के साथ मुड़ना होता है तो तुमको थोड़ी सी जगह चाहिए। समझ आया आपको? ड्रैगन लचीला और जीवित लगना चाहिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 इसे करते रहें। जब हम ड्रैगन डांस का अभ्यास शुरू करते हैं तो हमें बहुत ऊंचा कूदना चाहिए और डंडे को भी ऊंचा रखना चाहिए। वो थोड़े से चिंतित लग रहे हैं। ड्रैगन डांस करने के लिए तुम कुछ भी सही नहीं कर रहे हो। तुम लोगों को और ज्यादा अभ्यास करना चाहिए और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझना चाहिए, ठीक है? क्या उनके कुंफू मास्टर शायद थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। 1 2 3 हे! लेकिन रुक्पानंस उनको पूरी गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक डांस नहीं है, यह ड्रुक्पा का मकसद है जिसके जरिए ड्रुक्पा की महिलाओं को मान सम्मान मिल सकता है। ड्रुक्पा के लिए उधर देखो दिख रहा है, महिलाओं की तरक्की का एकमात्र रास्ता है कि वो उनको भारी दुनिया के तौर तरीके सिखाए। पिछले मार्च के महीने में नंस ने नेपाल के काठमांडू में बहुत ही बेहतरीन काम किया, जहां उन्होंने आंखों की जांच के लिए क्लिनिक चलाया। उन्होंने वहां के लोगों की और स्कूलों में सहायता की, बाढ़ पीड़ितों के लिए काम किया, पेड़ लगाए, मरीजों को ऑपरेशन के लिए तैयार किया, अपनी हर योग्यता, अनुशासन और इंसानियत का पूरा इस्तेमाल किया। कुछ कस्में भी हैं
जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है और ये भी कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको खुद को समझना ज़रूरी है और ये भी कि ये रास्ता कितना ज़रूरी है। आराम नहीं, आपका आराम पहली ज़रूरत नहीं है, पहली ज़रूरत है दूसरों की मदद करना। लद्दाख रहस्य में लग सकता है। मोनेस्ट्री की इन सफेद बिल्डिंग्स में प्रार्थनाएं की जाती हैं, जो कुंजांग के विश्वास में सहायक है। आज नंस हिस होलीनेस से मिलने जा रही हैं। आज हम हिस होलीनेस से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि सब कुछ वापस सही है। मैं पहले बहुत चिंतित थी कि हम काम को समय पे पूरा कर पाएंगे या नहीं। लद्दाख के सबसे बड़े गोम्पा हिमिस में मीटिंग होने वाली है। कुंजांग और उसके दोस्त काफी करीब हैं। ये ड्रुकपा मॉन्स का वार्षिक उत्सव है जिसमें डांस और प्रार्थनाएं की जाती हैं। भक्तों ने इन खुफिया स्थानों पर 380 साल तक साधना की है। मास्क डांस यहां के लोगों के लिए आत्मिक और स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है, पर्यटकों से लेकर खुद तक। नंस कल अपने आने वाली बारी को सोचकर बहुत उत्साहित है। नाचने वाले गुरु पद्मा संभावा को याद करते हैं, जिन्होंने दुष्ट शैतानों को धर्म के रक्षक में परिवर्तित किया था। नंस को इस प्रकार के छम करने की इजाजत देना हिमालय के इस दूर दराज हिस्से में किसी क्रांति से कम नहीं। पुराने समय में नंस को मुखौटा डांस करना और धार्मिक संगीत बजाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब हिज होलीनेस की वजह से हम सभी कार्यों में भाग लेने के लिए आजाद हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव है। ज्यादा समय नहीं हुआ है जबकि नंस को मंक्स के पास भी बैठना मना था। हिज होलीनेस ने नंस को डांस में शामिल करने के लिए बहुत कुछ किया है। वैसे तो ये मंक्स को ही सिखाते हैं। क्या खास बात है कि वो नंस को अलग से सिखाते हैं। इनसे पहले किसी भी बौद्ध गुरु ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहला कदम जो मैंने लिया वो ये है कि मैं खुद सिखाऊंगा मंक्स और नंस। यहाँ तक कि पढ़े लिखे मंक्स भी चाहते हैं कि समय आ गया है कि नंस वो सीखें जो उन्होंने मुझसे सीखा है। हाँ मैं एक ट्रिक खेल रहा हूँ जिसके जरिए नंस अपने आप ही एक बेहतर स्तर पर आ जाएंगी। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मैं हिज होलीनेस से मिली, क्योंकि ऐसे भी धर्म गुरु हैं जो खुद से एक दर्जे नीचे लोगों को ही सिखाते हैं, लेकिन हिज होलीनेस हमें खुद सिखाते हैं, जो ये साबित करता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ। हिज होलीनेस जैसा कि वो इसे ट्रिक कहते हैं, वो नंस के ग्रुप को अलग से सिखाते हैं ताकि मंक्स नंस के पास जाते हैं कुछ खास सीखने के लिए और जिम्मेदार बनकर आते हैं। काउंसिल के लिए सब ठीक चल रहा है ना? हाँ सब ठीक चल रहा है। हम नंद्रीज को भी पेंट कर रहे हैं और बिल्डिंग के कुछ हिस्से जहाँ का रंग फीका पड़ गया था हम उनको भी पेंट कर रहे हैं। हाँ अच्छा ये बात है, बताओ क्या नंस काउंसिल से पहले काम खत्म कर देंगी?
एक दिन बरसात हो रही थी इसलिए हमारे काम में बाधा आ गई, और बाकी सब ठीक है। 15 जुलाई से पहले हम सारा काम खत्म कर देंगे। अच्छा, बारिश थी वहाँ, यहाँ पे भी बारिश थी। पचास किलोमीटर दूर चमड़े, जहाँ कुंजांग के पिता अपनी पत्नी टशियुडोन और उनकी दो बेटियों के साथ रहते हैं। यह किसानों का गांव है, बहुत अमीर तो नहीं और कुछ कम भी नहीं। कुंजांग के फैसले से पहले तो उनको शौक लगा। उस समय हम लेह के टाउन में थे और वह घर में थी, और वही इस होलीनेस के पास नन बनने के लिए घर से भाग गई। शुरुआत में मैं बहुत नाखुश था क्योंकि वो मेरे परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। लोग मुझसे कह रहे थे कि तुमने अपनी बड़ी बेटी को नन बनने की इजाजत क्यों दी। कुंजांग का घर हेमिस मोनेस्ट्री से कुछ ही दूरी पर है, और मौका मिलते ही कुंजांग वहां आई। ये वो समय था जिसका परिवार को इंतजार था। कुंजांग आत्मविश्वास से भरी थी और बाकी परिवार वाले उसके चुपचाप घर से चले जाने को याद कर रहे थे। जब मैं बच्ची ही थी तब से ही मैं नन बनना चाहती थी, लेकिन मैंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। 9 साल के स्कूल के बाद मैं नन बनने के लिए भाग गई। मैंने अपने पिता से झूठ बोला कि मैं सिर्फ हिज होलीनेस से मिलने जा रही हूँ। मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि मैं नन बनना चाहती हूँ। ये सब तो पुरानी बात है। कुंजांग आज अपने पिता के पास बैठी है। उसका परिवार उनकी लड़कियों को स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, पुलिस और नंस बनते देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ और भी ऐसे परिवार हैं जहाँ लड़कियों के लिए आज भी बहुत सी बाधाएं हैं। लड़कियाँ मेरे पास आती हैं ताकि उनको नंस की तरह अपनाया जाए, और बहुत सारी मुसीबतों के साथ आती हैं, यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार से और उनके रहन सहन से। हमारी संस्कृति और हिमालयन और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में महिलाओं को थोड़ा सा नीचा देखा जाता है। कुंजांग और उसके दोस्तों ने वापस मोनेस्ट्री जाने के लिए यात्रा शुरू की। कल सुबह ड्रैगन डांस। ये समय है ड्रुकपा नंस के लिए ये साबित करने का कि वो कर सकती हैं। अगर वो गिर गईं या रुक गईं तो ये आखिरी ड्रैगन डांस हो सकता है जो ड्रुकपा नंस करेंगी। ड्रैगन सांप की तरह चलना चाहिए। सर और शरीर एक रिदम पर चलना चाहिए। ड्रैगन अगर जमीन से छू गया तो ये नंस के लिए बहुत बुरी खबर होगी। लद्दाख की महिलाएं अब कला और रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी लेने लगी हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है, और फैसला कुंफू मास्टर ने नंस को इस महीने होने वाली काउंसिल प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। आज के ड्रैगन डांस में नंस बहुत अच्छा कर रही हैं। वो बहुत अच्छी कोशिश कर रही थीं इस स्तर के प्रदर्शन के साथ, और काउंसिल से पहले बहुत अभ्यास से उनको बहुत सफलता मिली। यह समय है विचार करने का। पुराने समय में नंस को बहुत इज्जत नहीं मिलती थी,
क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरा मतलब है कि वो कुछ हद तक ही पढ़ी लिखी थी, पर अब हिज हॉलीनेस खुद नंस को शिक्षित करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो शिक्षा के मायने में हम नंस भी अब मंक्स के बराबर हैं। कुंफू द ड्रैगन डांस ने सदियों के बाद ड्रुकपा नंस के लिए अपनी पहली जिंदगी से बाहर आने के बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। कुंफू नंस और ड्रुकपा वंश के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.kungfununs.org पर जाएं।